और सत्याग्रह में आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। यहां पैसों के लिए एक शख्स को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, बेरहमों ने जिंदा जलाकर जान ली। पैसे मांगने पर सबसे खौफनाक सजा, उधार मांगा तो जिंदा जला डाला। तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये तस्वीरें हर इंसान को विचलित कर सकती हैं, लेकिन उस पापी के हाथ नहीं कांपे जिसने इस ठेकेदार को जिंदा जला दिया। दिल दहला देने वाली ये वारदात कानपुर की, जहां बिल्डर से अपने 18 लाख रुपए मांगने पहुंचे इस ठेकेदार को जिंदा जला दिया, जिसकी इलाज के वक्त मौत हो चुकी। अंकल बुलाया था श्रीवास्तव ने आपको अंदर? हाँ श्रीवास्तव बुलाया था। और क्यों, कौन कौन था? तिवारी जी थे। और तिवारी जी थे, हम अंदर गए, जैसे अंदर गए गेट खोला, बाजू फेंके तो अंदर भाग गया तिवारी, वही थे अंदर भाग गए, हम बाहर के बाहर रह गए, जला दिया। हाँ बाहर भाग गए, जेल डाल दिया, तो बाजू फेंक के भाग गया। 59 साल के राजेंद्र पाल का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने 18 लाख रुपए के लिए बिल्डर शैलेंद्र श्रीवास्तव के बुलाने पर घर पहुंच गए, लेकिन वहां मौजूद तिवारी नाम के शख्स ने राजेंद्र पाल को आग के हवाले कर दिया। 80% जल चुके राजेंद्र ने अस्पताल में दम तोड़ने से पहले गुनहगारों का राज खोल दिया, जिन पर कार्रवाई शुरू हो गई। तो पता चला कि जो इनके ये बिल्डर और ये कॉन्ट्रैक्टर थे, जिनकी मृत्यु हुई, जो बिल्डर है श्रीवास्तव करके हैं, और इनके साथ इनका लेन देन का जो भी विवाद रहा था, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको अरेस्ट भी अभी कर लिया है, और तहरीर भी हमें जो है प्राप्त हो गई, मुकदमा लिखाया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।